सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से एक नए इंटरव्यू के साथ आपके सामने आए हैं। आज हमारे साथ है दिलखुश मीना, ये राजस्थान से हैं। तो इनका जो है जून का जो एग्जाम हुआ था रिसेंटली, उसमें इनका रैंक जो है 293 रैंक के साथ ये JRF क्वालिफाई हुए हैं। तो चलिए आज के सेशन में इनसे बातचीत करते हैं, कैसी रही इनकी जर्नी एंड क्या है इनके फ्यूचर प्लान, सब जानेंगे। सो शुरू करते हैं आज के इस इंटरव्यू को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिलखुश मीना, मिनी कंग्रेचुलेशंस टू यू, आज आपके हाथ में JRF है, रिसेंटली आपका MSc हुआ है, तो कैसा लग रहा है आपको? यस, और बाकी जब आपने फर्स्ट टाइम रिजल्ट देखा, आपके पेरेंट्स को बताया, तो उनके क्या उनकी क्या फीलिंग्स थी, उनको कैसे क्या रिएक्ट किया उन लोगों ने? बहुत अच्छा लगा है, मतलब सबको अच्छा लगा है, जिनको मतलब पेरेंट्स हो गया को, सिस्टर को, सबको, मम्मी को बहुत अच्छा लगा है। यस, उनको काफी इंतजार था कि होगा नहीं होगा, रिजल्ट भी काफी टाइम ले लिया था, एक दो महीने से, तो वो तो बहुत अच्छा लगा। राइट, इस बार रिजल्ट भी इतना डिले हो चुका था कि लोगों का एक्साइटमेंट भी पूरा खत्म हो रहा था कि कब आएगा रिजल्ट, क्योंकि इस बार बहुत ही डिले हुआ एग्जाम भी और रिजल्ट भी। चलिए फाइनली देर आया लेकिन दुरुस्त आया, रिजल्ट आपका अच्छा आया, एकदम बढ़िया था और JRF भी हो गया। और आपके बारे में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हैं, बैचलर आपका क्या कहाँ से हुआ, मास्टर कहाँ से हुआ? आई एम फ्रॉम स्वाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम राजस्थान स्टेट। मैंने अपने जो UG है वो वहाँ के एक कॉलेज शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह कॉलेज से की थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में के अंदर वो आता है। और उसके बाद में मैंने अपना मास्टर ऑफ साइंस के लिए CUT का एग्जाम दिया, CUT का एग्जाम क्वालिफाई करके मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से अपना MSc कंप्लीट किया है। ओके, सो यू हैव डन MSc सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एंड आई थिंक आपको पासिंग ईयर कौन सा, इसी साल आप पास हुए राइट MSc? यस मैम, यस मैम। CSIR का आपका कौन सा अटेम्प्ट था, पहली बार दिया कि सेकंड टाइम दिया? ये सेकंड अटेम्प्ट था मैम मेरा। ओके, सो फर्स्ट ईयर में आपने शायद पहला अटेम्प्ट दिया होगा। हाँ मैम। ओके, सो फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में क्या ऐसी गलतियां करी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपने सेकंड अटेम्प्ट में इम्प्रूव करी, या फिर एक होता है ना कि एग्जाम में आपकी स्ट्रेटेजी कैसी रही? यस मैम, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो दिसंबर 2023 वाला था वो वाला दिया था मैंने मैम। हाँ। वो मैंने YouTube वगैरह से इधर उधर से लेक्चर पढ़ के ऐसे कि मतलब कि कैसा होता है CSIR का पेपर, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये चेक करने के लिए दिया था, इतनी प्रिपरेशन नहीं की थी। और तो वहां से मेरे को आइडिया लग गया था कि ऐसे इनके इधर उधर से कुछ छोटे मोटे पढ़ने से तो चलेगा नहीं, काम अच्छे से ही करना पड़ेगा। तो उसके बाद में फिर मैंने डी फिजिक्स का बैच ले लिया था फरवरी मंथ में, वो मैंने 3 महीने का बैच था। तो वहां पे इनकी मैंने पाडेकर सर और आपके सारे इनके लेक्चर देख डाले थे और उन्हें कई अच्छे से रिवाइज किया था। ओके, सो बेसिकली आप कनेक्ट, हम डी फिजिक्स के बारे में कैसे पता चला आपको, आपको फर्स्ट टाइम डी फिजिक्स के साथ आप यूट्यूब से कनेक्ट हुए कि डायरेक्टली एप्लीकेशन से कनेक्ट हुए? पहले तो मैंने यूट्यूब पे इनके आपके और इनके पाडेकर सर के कुछ लेक्चर्स देखे तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से समझ में आया ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। तो मैंने सोचा कि सिलेक्शन लेना तो यहाँ से ही पढ़ना पड़ेगा, डी फिजिक्स से ही। और क्वेश्चंस के क्वेश्चन भी अच्छे खासे करवाते थे, तो फिर मैंने, मेरे दिमाग में था कि यहाँ से ही लेना है, तो फिर मैंने आपका कोर्स खरीद लिया था मैम। ओके, सो आपने कोर्स के साथ साथ आपने MSc भी कंप्लीट करी, विच इज आई से वेरी बिग टास्क, क्योंकि MSc का शेड्यूल ऑलरेडी इतना बिजी रहता है राइट, आपके प्रैक्टिकल होते हैं, थियरी लेक्चर्स, उसके साथ साथ आपने कोर्स के साथ कोर्स लिया, उसका प्रिपरेशन किया एंड रिजल्ट आपके सामने कि MSc होते होते अभी JRF भी है, तो आगे जाके आपको बिल्कुल वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इमिजिएटली आप PhD में इनरोल कर पाओगे। सो बहुत कम एज में आपने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है, वंस अगेन वी रियली फील प्राउड अबाउट यू। अभी डायरेक्टली जाते हैं अपन की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेके, जो स्टूडेंट्स हमारे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोगों का हो सकता है ये सेकेंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट हो, तो स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए आपके हिसाब से, आपने क्या स्ट्रेटेजी रखी थी जिससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प हुआ, तो आप थोड़ा स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे उनके लिए। यस मैम, मैंने कि जैसे डी फिजिक्स का कोर्स ले लिया था तो मैंने स्टार्टिंग में मैथमेटिकल फिजिक्स डे पाडेकर सर से और इनकी क्लासिकल मैकेनिक्स
क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चार पांच सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया था और इनका दो तीन बार रिवीजन कर लिया था। जैसे सर ने क्वेश्चन कराया उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया था साथ के साथ। इसके बाद में फिर मैंने इनके टेस्ट पेपर इनके दिए थे कुछ, इस तरीके से मैंने अपना प्रिपरेशन किया था। ओके, तो प्रिपरेशन के दौरान आपने 100% सारा सिलेबस कवर करा था या कुछ ही यूनिट्स पे आपने फोकस करी? नहीं, मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया था, मैं उसको इनके पांच सब्जेक्ट कवर कर पाया था क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट भी उस टाइम साथ में चल रहा था, तो प्रोजेक्ट का भी लोड था तो मैं इतना नहीं दे पाता था मैम। ओके ओके ओके, तो मतलब आपने पांच सब्जेक्ट जो बहुत अच्छे करे थे आपने उनके आधार पे, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि इस एग्जाम को आपने दिया। तो यस, आपको क्या लगता है अगर आप और सारे सब्जेक्ट करते तो अच्छी रैंक आती कि आप उतने में ही लाइक कॉन्फिडेंट थे कि यही सफिशिएंट था, कैसा सोचा आपने? नहीं, मैं के अगर मैंने एक तो फरवरी के माह में कोर्स लिया था तो उस टाइम में 6-7 लेक्चर हर रोज के देखता था मतलब, और उनका रिवाइज भी करना होता था। हाँ, उनका रिवाइज भी करना होता था, तो मेरा जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ जब तक नहीं एग्जाम हुआ तब तक इतना ही कवर हो पाया था। ओके ओके, हाँ, तो मतलब आपने फरवरी से स्टार्ट करके मतलब जून में एग्जाम दिया, देखा जाए तो काफी शॉर्ट पीरियड में आपने प्रिपरेशन करी है, ठीक है, व्हिच इज, और पता है सबसे ज्यादा फायदा मुझे लगता है आपको इस चीज का हुआ होगा कि आपके एमएससी रनिंग थे आप, तो टच में था आप ऑलरेडी, ठीक है, तो हाँ, क्योंकि टच में है, क्लासरूम के अंदर भी आप पढ़ रहे हो और साथ ही साथ एक्स्ट्रा टाइम देके कोर्स में भी पढ़ रहे हो आप, तो मुझे लगता है वो ज्यादा आपको बेनिफिट हुआ होगा कि क्योंकि 3 महीने में एक्चुअल सीएसआर फरवरी मार्च अप्रैल में ऐसे 4 महीने कुछ मिले होंगे, और इस बार एग्जाम थोड़ा डिले भी हुआ था राइट, तो वो थोड़ा एक एडवांटेज आपको मिला होगा, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी काफी कम समय में आपने ये अचीव किया। एंड सीक्रेट अगर मैं यहाँ पे बोलूं इनका, तो इन्होंने देखा कि कम समय है तो उन्होंने सारे सब्जेक्ट को टारगेट नहीं करा जैसे आपने बताया। यस, ये काफी अच्छा डिसीजन लिया आपने एक्चुअली, कि अगर आपके पास टाइम कम है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स अभी दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं, तो वो भी स्ट्रेटेजी को थोड़ा समझिए कि अगर आपके पास अभी टाइम बहुत कम बचा है तो आप बिल्कुल पूरे सिलेबस के पीछे मानना पड़ो, आप सेलेक्ट करो आपके फेवरेट यूनिट्स कौन से और उसी को अच्छे से करो, रिवाइज करो, उसको पक्का करो, और एग्जाम में जाके आप ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। यस मैम बिल्कुल, तो ये बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया आपने बोलूंगी मैं, कम समय में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो सिलेक्टेड यूनिट्स आप पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए, उनका एक बार अच्छे से पढ़ के उन्हीं का इनके मोर टाइम रिवीजन किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ज्यादा ना पढ़ने के पीछे भाग के यही किया था मैंने। तुम्हें ओके, तो मतलब आपने बाकी यूनिट्स को कैसे थे, बाकी यूनिट्स को छुआ भी नहीं कि वो ऑलरेडी थोड़े ठीक ठाक थे आपके यूनिट्स? बाकी अदर सब्जेक्ट को जैसे इनके 3-4 सब्जेक्ट मैंने इनके स्किप कर दिए थे, पढ़े नहीं थे मतलब, ये 4-5 सब्जेक्ट ही पढ़े तो थे लेकिन मैम कॉलेज में इनकी अच्छे से नहीं पढ़ाते तो वो थोड़ा इनके ऊपर सही था मतलब, तो इतना मतलब इनकी क्वेश्चन सोल्व कर सके इतना मतलब इनके डीपली नहीं पढ़ रखा था मतलब, ऊपर से जैसे सिंपल क्वेश्चन आ गया तो कर देंगे, नहीं आया तो फिर वो छोड़ना ही पड़ेगा ऐसा था। लेकिन फिर आपने जो यूनिट्स करे थे वो आपको एग्जाम में प्रॉपरली आपने अटेम्प्ट करे क्वेश्चन उनके? बिल्कुल मैम, इनके जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स के मेरे इनके सारे क्वेश्चन सही थे, क्वांटम के भी लगभग सारे क्वेश्चन ही सही थे, तो ये अच्छे से हुआ था मतलब, इनका थोड़ा सा फायदा मिल गया। yes. क्योंकि ये क्वांटम में पे तो कोर में आते हैं तो इनके भर भर के क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली, तो देखा जाए तो इनको पढ़ाता फिर। हाँ, तो ये दोनों सब्जेक्ट मतलब मुझे लगता है 40-45 मार्क्स का दोनों का मिला के क्वेश्चंस आते होंगे, और अगर वो आपने सारे अटेम्प्ट करे और करेक्ट अटेम्प्ट किए तो आपका हाफ पार्ट तो यही हो गया। चलिए, बढ़िया है, ये सही डिसीजन लिया आपने जिसका फायदा आपको काफी हुआ। अभी चलते हैं कि आपने एग्जाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट कैसा करा, सो आपके जो 3 घंटे थे एग्जाम में आपने उसको कैसे यूटिलाइज करा, कितना टाइम कितने सेक्शन को दिया आपने? मेरा थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है रीजनिंग मैथ वाला पोर्शन है वो थोड़ा वीक था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैंने उसकी इतनी प्रिपरेशन नहीं की थी, तो मेरा 1 घंटा तो उसी में चला गया था। okay. और उसमें इनके ज्यादा क्वेश्चन भी मेरे सही नहीं हुए थे, मेरे 12 पॉइंट कुछ ही नंबर ही थे मेरे, ज्यादा वो सही भी नहीं हुआ था। okay. और बाकी 2 घंटे में मैंने उसको दूसरे वाले पोर्शन को कवर किया था, तो मैंने इनके उन्हीं क्वेश्चंस को पहले स्टार्ट किया कि जिनमें मतलब मेरे को प्रॉपर आता था कि ये हो जाएगा डेफिनेटली, बाकी जैसे कुछ क्वेश्चंस में डाउट था कि ये थोड़ा सा इनकी आता तो है लेकिन इनकी दिक्कत कर सकता है, तो मैंने उनको फिर इनके लास्ट में देखा था, पहले जो हो रहे थे सही करेक्ट पहले मैंने उन्हीं को किया।
राइट राइट। तो ये जो चुनने की प्रोसेस है मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है, मतलब आपको पेपर देखना भी है, चुनना भी है कि मेरे से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, और कम टाइम में भी करना है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम है। तो ये सब चीजें डेफिनेटली आपको विद टाइम ही ये इम्प्रूव होती है, ऐसा नहीं कि अचानक से पेपर में बैठ गए और आ गया आपको पता चल गया। तो सभी हाँ हाँ बोलिए। इसके लिए तो पहले इनकी कुछ दो तीन इनके चार पांच मैंने टेस्ट पेपर थे उनको निकलवा के रखा था प्रीवियस ट्यूशन पेपर्स को, तो उनके हिसाब से मेरे को पता कि इनके क्वांटम का मैथमेटिकल फिजिक्स इनके क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो पहले इन्हीं को किया था मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स हुआ इस टाइप से। तो फाइनल एग्जाम से पहले आपने कितने फुल मॉक पेपर्स अटेम्प्ट करे थे? मैंने मैम एक वीक फुल मॉक पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था, मेरे को उतना टाइम नहीं मिला था उस टाइम। ओके उस टाइम हमारा इनके दिन भर तो प्रोजेक्ट का रहता था, तो लैब में रहते थे, तो रात में इनकी क्लासें कंप्लीट की थी और इन्हीं का ज्यादा से ज्यादा रिवाइज किया था, और लास्ट में इनकी पेपर सोल्व किए थे, चार पांच पेपर सोल्व किए थे प्रीवियस ईयर के, मैं ज्यादा नहीं कर पाया था। मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं एक बार और दूं और अच्छे से रैंक लाऊं। ओके ओके, अभी तो आपने जेआरएफ तो मिल चुका है, तो ऑफकोर्स आपके लिए तो रास्ता खुल चुका है, तो मतलब चार पांच फुल मॉक पेपर, मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपने सिंसियरली अटेम्प्ट किया, वहां से आपको का आइडिया लगा होगा कि मेरे को कौन से क्वेश्चंस आते हैं, मुझे क्वेश्चन। यस, बहुत स्टूडेंट ये थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, डायरेक्टली फाइनल एग्जाम में जाके पहली बार पेपर दे रहे तीन घंटे का, तो ऐसा गलती स्टूडेंट बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि कई बार होता है कि हमें वो तीन घंटा बहुत प्रेशराइज फील होता है, क्योंकि इससे पहले कभी बैठे ही नहीं है तीन घंटा, इससे पहले कभी सीरियसली पेपर दिया ही नहीं है, तो आपको फाइनल एग्जाम से पहले एक सीरियसली तीन घंटे का वो माहौल क्रिएट करके, मुझे लगता है मॉक पेपर चार से पांच फुल मॉक पेपर बहुत हेल्प करते हैं। तो मतलब समझ में आके आपको क्वांटम एमएमपी करनी है, राइट? यस मैम, यस मैम, यस यस, ठीक है, बढ़िया है। अदर स्टूडेंट से भी यही कहना चाहूंगा कि मतलब आप इनके डायरेक्ट एग्जाम में ना जाएं, आप अगर एक बार इनकी तैयारी करें, अच्छे से पढ़े टॉपिक्स को, और इनके अच्छे से इनके जैसे आपको चार पांच सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं उनको अच्छे से पढ़े, अच्छे से रिवाइज करें, और फिर इनकी उनके पढ़ने के बाद फिर इनकी मॉक टेस्ट लगाएं, और आठ दस पेपर प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करके ही एग्जाम में जाए, ऐसा ना जाए, इससे क्या आपको दिक्कत हो सकती है फिर एग्जाम के अंदर। बिल्कुल यस, क्योंकि जब आप मॉक दे रहे हो तो आपको पूरा आपका गलती कहाँ पे कर रहे हो आप उसी का आपको एनालिसिस मिल जाता है, आपको कैलकुलेटर यूज करने आ रही है क्या, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आप कितने क्वेश्चन पे कितना देर दे रहे हो, कहाँ पे स्टक हो रहे हो, ये चीजें तो तभी पता चलेगी जब आप फुल मॉक दोगे और इसमें इम्प्रूव करोगे। तो ये एग्जाम से पहले सब लोग याद रखें, इस बार करके जाना है सभी को। चलिए फिर बाकी बताइए आपके फिर क्या है फ्यूचर प्लान्स, अभी आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे कि कहीं आपको टीचिंग में जाना है, कैसे प्लान है आपका? तो मैम मैं एनपीसीएल की तैयारी कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, तो उसके अभी तो मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेनी है, थोड़ा सा मैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही हूँ थोड़ा, क्योंकि घर वालों की तरफ से प्रेशर ज्यादा आ रहा है। तो गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद फिर साइड बाय साइड पीएचडी का सोचूंगा, अभी तो नहीं सोच रखा है पीएचडी। गवर्नमेंट जॉब में कौन सा जॉब आप सोच रहे हो, कौन सी जॉब चाहिए आप? मैम मेरा तो ड्रीम जो है साइंटिफिक ऑफिसर का ही है पार्क में। ओके ओके, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिफिक ऑफिसर का वो ही लेने का है मेरे को, तो मैं उसी की प्रिपरेशन करूंगा अच्छे से। ओके ओके, बढ़िया, फिर तो अभी आपका बीआरसी का भी टारगेट होगा जो अपकमिंग एग्जाम। यस यस, अगले अप्रैल में ये एग्जाम रहता है, तो हम डेफिनेटली विश करेंगे आपको ऑल द वेरी बेस्ट, और डेफिनेटली बीआरसी भी क्वालिफाई करो। मुझे तो लगता है आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो फिर अभी बीआरसी आपके लिए क्या ही है, तो आप वो भी बड़े आराम से करोगे। यस, और यस एक बात मैंने भी ऐसे देखी है स्टूडेंट्स को लेके, कि अगर आप कोई भी एक एग्जाम क्वालिफाई होते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही हो जाता है, मतलब अपने आप को पता चल जाता है कि यस अगर मैं ये कर सकता तो ये एग्जाम क्यों नहीं कर सकता, तो वो एक बहुत अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। यस मैम, ये तो बहुत इनकी ये तो है कि जैसे कोई इनकी जैसे अभी नेट जेआरएफ भी नहीं होता तो इनकी खुद से डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन कोई एग्जाम निकल जाता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, इससे अदर एग्जाम भी हो जाते हैं फिर। करेक्ट करेक्ट, कोई भी एक एग्जाम स्टूडेंट बस नेट के लिए ना, आप सेट भी दे दो, बीआरसी दे दो, जेस्ट दे दो, टीएफआर दे दो, गेट दे दो, अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस भी है फिजिक्स में, आप एक एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगी आपके अगले एग्जाम के लिए। यस यस मैम,
तो अभी तो आपका एज है तो अभी काफी कम है, तो मैं बोलूंगी अभी आप बीआरसी के लिए भी अप्लाई करो, टेक योर टाइम, और जो भी आपका ड्रीम जॉब है या जैसे भी आप चाह सोचा सोच के रखा है आप वही जाइए, तभी आपको मजा आएगा. यस यस मैम, यस. एट द एंड अगेन मैं यही बोलूंगी कि आप स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएसआर नेट को, उनको सभी को क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो अपने प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या चीजें हमेशा ध्यान में रखे ताकि वो भी अपना जेआरएफ और एलएस जल्दी ही क्वालिफाई कर पाए, क्या मैसेज देना चाहोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहूंगा सबको कि जैसे आप जितने भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो उन सब्जेक्ट को एक बार जैसे टीचर पढ़ाते हैं एक बार अच्छे से पढ़ लो, उनके साथ साथ रिवाइज भी करते चलो, एक दो बार उनका अच्छे से रिविजन कर लो, उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, गेट के पेपर उठा लो, जेस्ट के पेपर उठा लो, अदर पेपर आप उठा लो और प्रीवियस ईयर पेपर इनकी ज्यादा से ज्यादा सोल्व करो ताकि इससे इनकी आपके प्रैक्टिस में आ जाएगी और इनकी सारा अच्छा होगा और आपका इनकी निकल भी जाएगा. लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं मैम, इनकी पढ़ते तो क्लास है तो बहुत लेते हैं लेकिन वो रिवाइज नहीं करते चीजों को, तो रिवाइज नहीं करते तो इससे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होते और इनकी एग्जाम में किसी टॉपिक को पढ़ा लेकिन अपन उस पर श्योर नहीं हो पाते और उसको कर ही नहीं पाते, लेकिन अच्छे से रिवाइज कर रहा होता है तो उस टॉपिक में श्योर होते हैं, वो हम कर लेते हैं उसको एग्जाम में. तो एक बार अच्छे से रिवाइज करो और अच्छे से प्रैक्टिस पेपर इनकी सोल्व करो, मैं तो यही बताना चाहूंगा सारे स्टूडेंट को. और इनकी जो फर्स्ट पार्ट ए पार्ट आता है मैथ रीजनिंग, उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर का आता है, तो कोशिश की जाए कि 25 अप्रोक्सीमेट या 25 प्लस ही नंबर आए उसमें, ताकि इनकी फिजिक्स का भी टफ आए तो इनकी उससे अपना नेट जारअप हो जाए, उसमें इनकी फिजिक्स में कम आ जाए दोनों को मिला के, तो दोनों को इनकी लेके चलना है ना कि फिजिक्स को ही लेके चलना है. मैंने ये मिस्टेक की थी कि मैंने मैथ रीजनिंग वाला पार्ट मेरा थोड़ा वीक था तो इसमें काफी टाइम भी लग गया था और इनकी मैं यानी कि इससे इनकी फिजिक्स को इतना टाइम नहीं दे पाया था, तो मैथ रीजनिंग इतनी होनी चाहिए कि अपन इनकी आधे घंटे के अंदर ही उसको सोल्व कर ले और बाकी जो ढाई घंटा है उसको अच्छे से फिजिक्स को दे और फिजिक्स में अच्छे से स्कोर करे, मैं तो यही बताना चाहूंगा मैम सबको. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों चीजों का बैलेंस अगर रखा तो मैथ रीजनिंग में 25 लेके आए मान लो तो मतलब आपको बहुत प्रेशर कम हो जाएगा फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो वही बात है. थोड़ा सा एफर्ट्स पार्ट ए की तरफ भी सब स्टूडेंट्स रखें एंड अगेन अल्टीमेटली ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है इस पूरी दुनिया में प्रैक्टिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. बिना प्रैक्टिस करे आप थियोरी कितना भी पढ़ो 5 साल पढ़ो लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है अच्छे से, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस ठीक से नहीं करी है तो एग्जाम में जाके वही आप अटक जाओगे. ठीक है, सो करेक्ट, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट एंड आपको रिविजन शॉर्ट नोट्स भी साथ ही साथ आपको लगातार रखने हैं. So yes, that's I think सभी स्टूडेंट को काफी हेल्पफुल लगा होगा आपका ये सजेशन एंड आई रियली थैंक यू दिलखुश मीना कि आपने टाइम निकाला इस इंटरव्यू के लिए. आप ऐसे ही कनेक्ट रहिए हमारे साथ एंड आगे जाके होपफुली मैं साइंटिफिक ऑफिसर का भी आपका इंटरव्यू ले लूं तो वो भी आप जरूर, तो आप बीआरसी के लिए भी अच्छा सा बढ़िया सा प्रिपरेशन करिए, साइंटिफिक ऑफिसर के लिए आप इंटरव्यू करिए एंड होपफुली विल मीट अगेन. यस, सो स्टे कनेक्टेड एंड thank you so much for connecting with us. Thank you.